माया फाई ने मन में लेक्चर इन फिजिक्स गवर्नमेंट सर कैसे मस्ती कॉलेज रानी पर स्टूडेंट्स क्लास इंटर जो फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और जो सीन चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हीट के सेंट्रल तरीके से हम बयान करना होगा जब वो जनरल डेफिनेशन आए कॉन्सेप्ट असां सिंपली चवंदासीं सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या वार्मथ। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या वार्मथ के सिंपली सां हीट फील करना हूंदा आहिनि। मौसम बि गर्मी थी आहे त हिन डेफिनेशन में फिट आहे, गर्माइश तपश अहसास आहे, हुनखे सिंपली हीट चइबो। पर ईअं त पारो जेका हीट आहे उहो हिकिड़ो माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट आहे। माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट के हवाले से हीट के जो डिफाइन कराँ कें सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स काइनेटिक एनर्जी आ सभी ये सम यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के हीट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी असें सजेस्ट करे थी व्हाट इज हीट। हीट इज व्हाट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड हीट। हाँ वेटो वन हीट एक्चुअली तरीको एनर्जी ट्रांसफर करण जी अस मैकेनिज्म पढ़ा मैकेनिज्म वर्क तरीको एनर्जी के ट्रांसफर कहीं बॉडी के फोर्स अप्लाई कर फोर्स अप्लाई कर बॉडी डिस्प्लेस मतलब अस वर्क कहूँ एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी कंज्यूम करना होंगे उन केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर बॉडी में काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इंट्रोड्यूस करना होंगे। सागे तरीके से हीट भी एक तरीको आठो वे हीट भी तरीको आ एनर्जी ट्रांसमिट करने को। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन एज हीट इज वॉट द मेथड या द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है हीट शायद हीट जो तरीको आज मेथड आ एनर्जी के ट्रांसमिट करने को ट्रांसफर कर एनर्जी किन तरीके से ट्रांसफर करना होता है। फर्स्ट मेथड है फॉर एग्जांपल कंडक्शन, सेकंड मेथड है कन्वेक्शन, टियों तरीको है रेडिएशन। इन मूव्स ऑफ हीट ट्रांसफर या मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर भी जरूर है। तो सिंपली क्वेश्चन करूँ भाई हाउ मेनी मूव्स या हाउ मेनी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर। सिंपली आंसर करना से देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट या एनर्जी ट्रांसफर। और जो कंडक्शन प्रोसेस है यो मेनली सॉलिड्स के अंदर थोड़ा होंगे कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर थी एक्चुअली सॉलिड्स में थी। सॉलिड्स में एटम्स वाइब्रेट कर एटम्स पानी एक्चुअल पोजिशन में छिंदा है माइग्रेट न करना होंगे पानी लोकेशन पानी पोजिशन से बी कर एनर्जी के एटम टू एटम ट्रांसफर करना होता है। सो द सच मेथड ऑफ ट्रांसफर एटम्स जस्ट पास एनर्जी एंड नियर बाय नियर एटम्स दिस इज कॉल्ड व्हाट कंडक्शन मेथड एंड इट अकर्स इन व्हाट सॉलिड्स। जो कन्वर्शन मेथड है इन एक्चुअली शायद है जब एटम्स पानी एक्चुअल पोजीशन लीव करना होता है यानी कि ऐसा चीज सब ना एटम्स माइग्रेट करना है पानी एक्चुअल पोजीशन में माइग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसा पानी ही बॉइल कर रहा है जो पानी गर्म ऑन द प्रोसेस ऑफ वॉट कन्वेक्शन देखो बॉटम में पानी होंगे फिर वो हीटअप जैसे गैस वगैरह रखा तो वो एटम्स उतों ट्रांसफर की एटम हेठा यो तरीको इनके चब कन्वेक्शन या अस घर में वेंटिलेटर ठा कमर के थदे रखने के लिए गर्म हवा है वह मथे वी वो वेंटिलेटर्स जार में बाहर निकली वन फ्रेश एयर वो अंदर दरवाजे में अंदर ये जो प्रोसेस है ये चब कन्वेक्शन प्रोसेस। तो कन्वेक्शन प्रोसेस अकर्स इन फ्लूइड्स। ठीक है ना फ्लूइड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए थी। और जो टियों तरीको हीट ट्रांसफर थो दैट इज कॉल्ड फॉर रेडिएशन। हाँ सीधे मान जो असर रोशनी पहुंचे थी हीट पहुंचे थी वह अस रेडिएशन प्रोसेस के जरिए शांत होती है। सो दिस अकर्स इन व्हाट फ्री स्पेस या वैक्यूम। फ्री स्पेस में किसी को भी मीडियम को
वैक्यूम जो थोड़ा जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन थी इट इज कॉल्ड व्हाट रेडिएशन प्रोसेस तो इन तरह तरीके से हम जो कहा हुआ हीट ट्रांसफर थी रही है या एनर्जी ट्रांसफर थी रही है ओके जदन बाबा ने जो ऐसा का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है जदन भी ऐसा का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है तो हम मेन यूनिट फिजिकल क्वांटिटी सा कुछ बुनियादी शर्त याद रखनी है फॉर एग्जांपल की मिसाल हीट बड़ी से द हीट इज एनी हीट नेचर है व्हाट इज द नेचर ऑफ हीट नेचर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी इसके लगा या वेक्टर तो सिंपली हम बनाते हैं हीट व्हाट हीट इज द एनर्जी व्हिच इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी सेकंड थिंग तां जदे जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो ता ठीक है मतलब फर्स्ट लेक्चर आ ई शो ता कि हर लेक्चर में जदे भी तां फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो ता ये इस बुनियादी शो मालिक है वो ई ता के याद लाजमी तौर से देना रखते हैं तो केम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर शायद ही उनके यूनिट शायद उनके सिंपल शायद उनके डायमेंशन शायद या उनके फॉर्मूला शायद तो ये वो बुनियादी शो है जिनमें क्वेश्चन भी पीना है ठीक है आई ये हर फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली एसोसिएट होंगे तो हीट इज व्हाट हीट इज द स्केलर क्वांटिटी ये गाल को उनके यूनिट शायद तो हीट बेसिकली थोड़ा तरह में यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लो जो ऐसा यूनिट है दैट इज व्हाट जूल थ्री जिकर ऐसा चार के डायमेंशंस की तो हीट ये एनर्जी है एनर्जी का डायमेंशन सब के अगर पढ़ी सको मतलब जूल का एक बराबर चाहिए बराबर आने पर इनटू मीटर के बराबर हो इन्हें कहीं ना तो एक्सपेंड करना से न्यूटन के बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है अगेन मीटर दैट मींस द डायमेंशन सेम की व्हाट आते हैं हम एम ए स्क्वायर पी माइनस टू ये समझो ये जो डायमेंशन सी है चौथों जगह ऐसा गा लेते हैं फॉर्मूला जी फॉर्मूला में आगे थोड़ा डिस्कस करूँ जी समझे कि रख लो तो डिपेंड ऊपर ऐसा कैरी हीट के बारे में डिस्कस करूँ था लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस कर क्यों या स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर क्यों स्पेसिफिक हीट में कैरी किस्म की चौड़ा मकसद ये कि हमेशा जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा से तथा फिजिकल क्वांटिटी की नेचर उनके यूनिट्स उनके डायमेंशंस उनके फॉर्मूला अंजी से सब चीज सब होता असा इन चैप्टर में जो हीट की सिंबल है वो असा एक क्लियर रखना देशा डेल्टा क्यू या सम टाइम एक सा भी लगे रिप्रेजेंट करो ना ओके हां हीट के बारे में तहाजे सिलेबस में सिंगल टेक्स्ट बुक कोड में या ओवरऑल ट्रे फेमस थ्योरीज अगेंस्ट वो एग्जिस्ट करती है पहले भी का थ्योरी है थ्योरी अबाउट द हीट थ्योरीज अबाउट द हीट हीट के बारे में ट्रे थ्योरीज फेमस है एक चीज है कैलोरी थ्योरी सेकंड है सनी मैकेनिकल थ्योरी सीजीएस में ही कैलोरी की जो यूनिट है कैलोरी ये कैलोरी थ्योरी भी एग्जिस्ट करेगी 1 कैलोरी जी का हीट अमाउंट 4.186 जूल के बराबर एफ ए सिस्टम में बात करूं सा हीट के बीटीयू हम आपको बीटीयू मतलब आप बी फॉर ब्रिटिश टी फॉर थर्मल यू फॉर यूनिट 1 बीटीयू इज इक्वल के बराबर होगा 1955 जूल के बराबर होगा तो कुछ इंफॉर्मेटिव फॉर्मूला था ये था पहाड़ है प्रूव भी कर सको था ओके हाँ ये देखा कैलोरी थ्योरी है कैलोरी थ्योरी बेसिकली है एंड कैलोरी थ्योरी में सा के तुम्हें डिफाइन करो देखा हीट आ हीट बेसिकली प्रो वेटलेस फ्लूइड कंसीडर कर दो जो को हर मटेरियल ऑब्जेक्ट में मौजूद हो जेके कोल्ड बॉडी है ना घट कैलोरी में जेके हॉट बॉडी है ना वो उनमें वधे के कैलोरी बेसिकली मौजूद है ये कौन से कुंडो के हीट जेवा यानी कि हीट की कंसीडर करो हीट के कैसा हुआ के ऑब्जेक्ट जी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये मादो आ मादो के ऑब्जेक्ट जो कि मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है घनो मैटर आ घनो मास हो ठीक है ना मास के भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक दैट जो का हीट टर्मिनल की भी केल्विन की संख्या की ये भी प्रिंट होता है हीट हर मटेरियल ऑब्जेक्ट में मौजूद है पोजीशन में घट मौजूद है पोजीशन में वो अधिक मौजूद है एंड जो का केल्विन थ्योरी है
हुआ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन प्रोसेस के बयान या प्रूफ करे सके भाई, पर जो रेडिएशन ना हुआ रेडिएशन के एक्सप्लेन ना पे कर सके जेकर हीट मादे में मौजूद आ तो सिज का जमीन ने जका सा हीट पोजे के में कोई मटेरियल मीडियम कोने को तो वो हीट ट्रांसफर के लिए पे इन तो जी के एक्सप्लेन ना करे इन कांसेप्ट के सिज का सा जो रोशनी पोजे थी या हीट पोजे थी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बेसिकली उन्हें की क्लियरली थी बयान ना पे कर सके उन्हें हम को जो साइंस से काउंटरम फोर्स जे मैकेनिकल थ्योरी में हाँ काउंटरम फोर्स के मुताबिक जो हीट आदि ही प्रोड्यूस जैसे अस वर्क क्या अगेंस्ट फ्रिक्शन 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 के कर बेसिकली हीट प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंटल लेब हुई कैनन बोरिंग एक्सपेरिमेंट थे तो एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना हुआ टोप होंगी उनमें होल्ड कर रहा हुआ ठीक है मजदूर वगैरह तो ड्रिलिंग थे पी उन मेटल चिप थे पी उन स्पेशल हीट और फ्रेश मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट जैसे मेयर कई तो वह बेसिकली चाली पी अचे ठीक है जैसे जैसे मेटल चिप यानी कि पीसिस मेटल जहाँ जैसे किरन था तो उनकी हीट खत्म थी घुर्ज बेसिकली पर जैसे फ्रेश मेटल पीस की कैन बोर्ड बोर्ड वाले मेटल पीस की जैसे हीट स्पेसिफिक मालूम थे वह चाली पे चवण मकसद मैकेनिकल थ्योरी है वो असि यो सजेस्ट करे पी तो हीट आई बॉडी के अंदर मौजूद न होंगी बेसिकली हीट असि जैसे अस वर्क परफॉर्म करा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो वर्क इन नतीजे में असि हीट बेसिकली प्रोड्यूस कर मिली है काउंटर काउंटर हीट इज प्रोड्यूस वेन एवर वी परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इन तरीके कुछ लर्जन के फेरफार कर जोल बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर तो भाई जो हीट है वह हमेशा असानी ट्रांजिट में रही हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फाइनल वक्त थ्योरी हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इन ट्रांजिट बिकॉज ऑफ वॉट टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है जैसे पैसा टेम्परेचर डिफरेंस होंगे बॉडी के विच में तरह की ट्रांसफर थी ट्रांसिट थी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सो फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे इन ट्रांसिट इन ट्रांसफर इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफर्स जैसे तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो तैसे ही जैसे वो फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर का लो टेम्परेचर से यानी कि हार्ड बॉडी का कोल्ड बॉडी की तरफ हाँ जैसे इन्हीं जो टेम्परेचर पान में बराबर थी तब वो हीट जो फ्लो है वो भी समझ में करी स्टॉप नहीं होगा ओके अब फिर हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करें हाँ ये सब हीट के टाइप्स वाले सारे सब हीट के बिन कैटेगरीज में विराए सको बिन ग्रुप में विराए सको फिर मान जाए कि हम हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एंड मान जाऊंगे लेटेंट हीट हाँ हीट कैपेसिटी मतलब पूरा हीट एनर्जी जो असानी बॉडी जो टेम्परेचर इंक्रीज कर यूटिलाइज थे बॉडी जो स्टेट चेंज न थे कें भी सर्विस जो स्टेट इन थे तरह उनको टेम्परेचर रेस थे वह जो कीटी हीट कैपेसिटी सभी वेर जो लेटेंट हीट आती है यह बॉडी जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से या फिक्स टेम्परेचर से पहुंची कर बॉडी की जैसे स्टेट चेंज शुरू थे तो वह जो गिवन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है दैट इज कॉल्ड व्हाट लेटेंट हीट फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अस बीकर उन बीकर में अस आइस क्यूब्स हैं ठीक है तमाम घनी फ्रीज थे आइस आइस का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तमाम सॉलिड आइस है तमाम घनी डीप फ्रीज थे आइस है माइनस 10 हाँ कई कोई बंसन बर्नर प्रोवाइड क्यों
the source of heat gamma. I charge you with the temperature, the thermometer. Thermometer is a device that can use a temperature measure around it. Thermometer is an insert canal. What we will observe that gradually the temperature of minus 10 ma decrease in, sorry, increase from shuru kundu. Minus 10 ma, minus 9 kundu, minus 8 kundu, minus 7 and so on. Then I will temperature 0 degree centigrade the quotient. अरे माइनस टेन में जीरो दे कोटन तो जाए जिसका असम हीट एनर्जी ज़ूम था डेल्टा की ज़ूम था मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज था क्यों ठीक है ना माइनस टेन स्मॉल नंबर है कंपेरेटिव टू माइनस एट माइनस नाइन एंड सो ऑन तो यह जिसका एनर्जी ज़ूम था जिसका सर्फिस्टेंस जो टेम्परेचर इंक्रीज करे दैट इज कॉल्ड व्हाट दैट इज हीट कैपेसिटी अरे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आईसी होगी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आईसी होगी और एग्जैक्टली ना जीरो के पहुंचने का बाद में हाँ जेका असान जेका हीट एनर्जी होगी जेका आइस के मेल्ट कर दी ठीक है अगेन सेटअप उसमें था को यह हाँ टेंपरेचर जीरो थी वो जीरो के पहुंचने का को फर्दर असान की जो थर्मामीटर वो टेंपरेचर डिग्री घर दिखाई दो जैसे ही तय असान ये पूरी जो पूरी आइस मेल्ट थी वो गिवन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जेको की सरफेस भी स्टेट के चेंज करे कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे पहुंच करे दैट इज नॉट व्हाट लेटेंट हीट ठीक है लेटेंट हीट क्या है चेंज द स्टेट चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस नॉट टेंपरेचर वो अली एनर्जी जगह के सब्सटेंस की स्टेट के चेंज करे कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे या फिक्स टेंपरेचर पे पहुंच करे दैट इज कॉल्ड व्हाट लेटेंट हीट वेयर इज द हीट कैपेसिटी व्हाट इज कैपेसिटी रेज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रेज द टेंपरेचर ऑफ अ सब्सटेंस ठीक है ना वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो के सब्सटेंस की टेंपरेचर के रेज करे दैट इज कॉल्ड व्हाट हीट कैपेसिटी not change the state या phase की change नहीं करता है देखा कैसे वो अभी जैसे देखा कि इन सबसे से phase की या state की change करे temperature fix से पहुंच करे that is called what latent heat and वो heat energy देखा कि इन सबसे से temperature की increase करे वो जो phase या state की change करे that is called what heat capacity okay लाइकवाइज असम घुमी सकूं था बिल्कुल हिसाब में हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल तो सेकंड एग्जाम्पल जितने ऐसा वाले को बीकर है इन जितने मैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रखा हूँ लेट सपोज टेक वाटर आम टैंकी में मतलब पानी आए उन्होंने टेम्परेचर आए लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है आने के बाद में हीट का शुरू कर रहा है डेल्टा की एनर्जी का शुरू कर रहा है तो व्हाट वी एको थर्मामीटर जो सेंसर करे शुरू ऐसा शार्प जब बना ले तो जो आसमान में सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हीट में ट्रांसफर की थी ठीक है ये टेंपरेचर 30 मां ग्रेजुअली इंक्रीज कर दो मतलब वो इंक्रीज कर दो कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच दो और 30 मां 100 के पहुंचने के लिए जो आसमान हीट मोशन से भी से या टेंपरेचर चेंज हुई करे दैट इज पर वो हीट कैपेसिटी और ये 100 के पहुंचने के बाद में जो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या करो कि वो हमारे पानी के पानी की फेज या स्टेट के चेंज में होगा और टेंपरेचर से जो थर्मामीटर से वहां बनी करेगा वो 100 की अंश पर रहेगा ना देखा है कर रहे हैं सिर्फ सिर्फ 100 के पहुंच गए यू भी है तो हाने की का एनर्जी या पानी के स्टीम या वेपोराइज करने में यूटिलाइज होगी वो हीट एनर्जी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को वेपोराइज करे उन्हें कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन latent heat of vaporization and वो energy जिसका पानी जिसका ice के 0 degree centigrade पे fuse थी पाई करे ठीक है ना melt पाई करे that is called what latent heat of fusion of ice उन्हें कहते हैं वैसे latent heat of fusion of ice so simply latent heat ये पर type चल रहा है एक वो latent heat of vaporization जिन्हें ऐसा लिक्विड स्टेट के कन्वर्ट होशा में वेपर्स में एंड भी सकती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जिन्हें ऐसा सॉलिड के कन्वर्ट होशा में लिक्विड वाटर में दैट इज कॉल्ड व्हाट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ
ओके, इनके अलावा स्पेसिफिक हीट आदि कुछ फर्दर टाइप्स हैं जिनके हम डिस्कस करेंगे आज, वो डिपेंड करो आसान के थ्रू अमाउंट खड़ा होता बेसिकली शेड डिग्री में खाली हीट कैपेसिटी होता है उन्हें पोषण जगह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई की जगह समझाए तो अच्छी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके यार हीट कैपेसिटी में सिंपली है कहा जाए तो भाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड या रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड व्हाट हीट कैपेसिटी, क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड या रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर टू रेज द 1 डिग्री टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, इन्हें मतलब बस सब्सटेंस को अमाउंट मेंशन में करना है ना, जैसे मुझे बोल भाई गेट को उसमें ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज करना हुआ ज्यादा ही रेडिपेंड डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, जितनी तरह की टेम्परेचर शेज राइज करो ओतरी तरह की वजह हीट एनर्जी ॾियणी पवंदी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी घटाईंदासीं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वॉट ॾींदासीं कोई कॉन्स्टेंट सी एंड डेल्टा टी, ये जेका सी आहे दैट इज कॉल्ड वॉट हीट कैपेसिटी, सिंपली सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉट हीट कैपेसिटी, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसमें फॉर्मूले हो लेकिन जमा से द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की कैपिटल सी है इमीडिएट फॉर कैपिटल सी रिमेंबर दैट, सो कैपिटल सी इन मई ग्राम के साथ यूनिट सेट है जूल पर केल्विन, ठीक है जिनमें से यूनिट सी डाल क्यों कैपेसिटी हीट कैपेसिटी यूनिट सेट है जूल पर केल्विन, स्पेसिफिक कैपेसिटी की बात में कोई फर्क न सिर्फ और सिर्फ तां कि हमें अमाउंट सब्सटेंस जो स्पेसिफाई करना हो, जितने असान के सब्सटेंस जो 1 किलोग्राम सब अमाउंट करूं था तो उन्हें जो 1 डिग्री टेंपरेचर रेज करने का जो असान हीट प्रोवाइड करना से दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेम डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, सिर्फ मास के फर्दर इंट्रोड्यूस कराया उसने, सो अगेन डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड एम आई साइन ऑफ प्रोपोर्शन होता है डेल्टा क्यू के साथ में एम सी डेल्टा टी, दिस स्मॉल सी इज व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, जेकर मैंने यूनिट सी गाल किया तो यूनिट स्टार्ट है ना सी इज इक्वल टू जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब क्या तो असान के 1 किलोग्राम सब्सटेंस जो 1 डिग्री टेंपरेचर इंक्रीज करने लाय जेका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पानी दैट इज कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके नेक्स्ट टाइम मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, अगेन हिते जो बोल हम अमाउंट आ वो टॉपिक के नाले में जा रहा है वो था अमाउंट करना से मोल्स छा करना से डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक कैपेसिटी ये इस्तेमाल की जाए बेसिकली दैट तो दैट मींस दैट यू कैन से दैट सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, इनकी यूनिट जैसे मैंने कहा कि तो भाई सी इज इक्वल टू जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है यूनिट्स माई तान डेफिनेशन की बयान कर सको था जूल पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, यूनिट्स भी याद रखना है यूनिट्स ऊपर एक रेशियो बनो असा ऊपर एनसीक्यूस क्वेश्चंस में तो सॉल्व करे उठना से होपफुली, तो यार कुछ हीट के बारे में नेक्स्ट हम कौन सा अबाउट द टेंपरेचर।